स्टूडेंट्स, पिछली दफा हमने ड्रामाटिस्ट देखे थे, रिनेसेंस एज के या शेक्सपियर एज के। इस एज के बेसिकली तीन नाम है, शेक्सपियरियन एज, एज ऑफ रिनेसेंस और एलिजबेथन एज। तो अब हम देखते हैं कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज ड्रामाटिस्ट कौन से थे, और उसके बाद जो ड्रामे की सूरत हाल है। उस दिन हमने कंटेम्प्रेरीज में क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर को देखा था। तो यानी रिनेसेंस के ड्रामे के हवाले से दे वर द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा ना, बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने सक्सेस गेन की, और एलिजबेथन ड्रामे ने भी बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन की। तो आज हम इसके शेक्सपियर के नाम के साथ ही जो है ना, वो ड्रामे के ऊपर भी डेकलाइन आ गई। डेकलाइन कहते हैं जीवाल को ना, यानी शेक्सपियर के मरने के बाद 1 साल, 100 साल तक के लिए जो है ड्रामा जो है वो डेक्लाइन का शिकार रहा। तो द डेक्लाइन ऑफ ड्रामा, इट वॉज इनएविटेबल दैट द ड्रामा शुड डेक्लाइन आफ्टर शेक्सपियर फॉर द सिंपल रीजन दैट देयर वॉज नो अदर ग्रेट एनफ टू फिल हिज प्लेस ना, यानी शेक्सपियर जो ग्रेटनेस क्रिएट कर गया था उस जैसा। जैसे हम उर्दू शायरी में अगर देखें गालिब को, तो गालिब के बाद जो है उर्दू शायरी के ऊपर भी जीवाल आया। इसी तरह शेक्सपियर ने इतनी ड्रामे की हाइट्स क्रिएट कर दी थी कि उसके बाद उस स्पेस को फिल करने के लिए उस जैसा कोई नहीं आया। असाइड फ्रॉम दिस यानी इसके अलावा अदर काजेज वर एट वर्क, एंड द चीफ ऑफ दीज वॉज दैट एट द वेरी सोर्स ऑफ द एलिजबेथन ड्रामास, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट आवर फर्स्ट प्ले राइट्स रोट टू प्लीज देयर ऑडियंस ना, कि जो प्ले राइट्स थे उनका मेजर फोकस ये था कि ऑडियंस खुश रह जाए। दैट द ड्रामा रोज इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ द पेट्रियाटिक पीपल टू सी समथिंग ऑफ द स्टायरिंग लाइफ ऑफ द टाइम्स रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टेज। For there were no papers or the magazines in those days, and people came to the theatres not only to be amused but to be informed. यानी उस वक्त के लोग जो थे वो सिर्फ यानी ड्रामे का तमाशा देखने नहीं आते थे, बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए। यानी जो उस वक्त का ड्रामा था, दैट वॉज ऑल्सो द सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल। लाइक चिल्ड्रन दे वॉन्टेड टू सी अ स्टोरी एक्टेड, एंड लाइक मैन दे वॉन्टेड टू नो वट इट मीन्स मैंट, जबकि शेक्सपियर फेल्ड दिस डिजायर। यानी हम जब भी बात करते हैं रिनेसेंस एज की, तो उसके हवाले से हम क्यूरियोसिटी और लस्ट फॉर नॉलेज भी जो है, दैट वॉज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। तो शेक्सपियर ने उसी चीज़ को एक्सप्लॉयट किया। शेक्सपियर ने लोगों की जो पल्स थी, जो डिज़ायर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली लिखा, तो वो हिट भी हो गया, मतलब बहुत पॉपुलर हो गया। उसके साथ साथ जो है वो फिर डेवलपमेंट आई एज की। एज की डेवलपमेंट ऐसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम मॉडर्न, यानी अगर मुझे देखा जाए तो मैंने दो एजें देखी हैं, यानी कि मोबाइल के बगैर की एज भी देखी है जब हम स्टूडेंट होते थे, और बतौर मोबाइल के साथ वाली एज भी देखी है। तो अब हमारी जो आगे जनरेशन आ रही है, वो तो बगैर मोबाइल के वाली वर्ल्ड तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो शेक्सपियर की एज के बाद जो डेवलपमेंटल चेंजेस आई, यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो रिनेसेंस एज में डेवलप हुई, किताबें छपना शुरू हो गई। यानी ड्रामा देखें, वही चलता होता ना, एक दौर होता था डिटेक्टिव नावल और जासूसी नावल्स बहुत ज़्यादा चला करते थे। खवातीन जो है ना, घर में ये इमरान सीरीज और जो है ना नावल्स, तीन औरतें तीन कहानियां, बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। जबकि जब से ये मोबाइल और व्हाट्सएप आया, तो आप वो इमरान सीरीज को वो कोई लेता ही नहीं है। पहले इनके इमरान सीरीज जो बाकायदा संभाल संभाल के रखा जाता था, और खवातीन जो है वो अपने फुर्सत के लम्हात में वो करती थी। अब जबकि एज की डेवलपमेंट, मोबाइल आया है, तो अब वो इमरान सीरीज या नॉवल रीडिंग जो थी वो ख़त्म हो गई है, अब मोबाइल आ गया है। तो ये वजह भी थी शेक्सपियर के एज के बाद डेक्लाइन ऑफ द ड्रामा की ना। डेक्लाइन कहते हैं जीवाल को ना। ही गेव देयर स्टोरी एंड हिज जीनियस वॉज ग्रेट एनफ टू शो इन एवरी प्ले नॉट ओनली देयर ओन लाइफ एंड पैशंस बट समथिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑल लाइफ
and that of eternal justice, which uses the war of human passions for its own great end. यानी शेक्सपियर ने वो कहानियाँ दी जो कि फॉर ऑल टाइम्स थी. शेक्सपियर ने ये नहीं किया कि कोई ख़ास किस्म के पैटर्न को, यानी जो ऑल ह्यूमन पैशंस हैं जो करंटली ऐसे चल रहा होता है लाइफ में ना, यानी इंसान लालची अगर है तो वो पिछले दौर में भी लालची था, अब भी लालची है, इट वुड कंटिन्यू. अगर हसद की जो बीमारी है दैट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल वन, जेलसी जिसे कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर ने बेसिकली ग्रैंड थीम्स को, ग्रैंड ह्यूमन थीम्स अगर आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर, उनको टच किया. दस गुड एंड इवल मिंगल फ्रीली इन हिज ड्रामा, यानी शेक्सपियर के ड्रामाज में गुड और इवल दोनों थे. बट द इवल इज नेवर अट्रैक्टिव एंड द गुड ट्राइम्स एज इनएविटेबली एज द फेट. ना इनएविटेबली का माना नाकाबिले गुज़ीर होना, और अल्टीमेटली खुद जो गुडनेस थी वो जीत जाती थी उसके प्लेस में. दस हिज लैंग्वेज इज समटाइम्स कोर्स, एंड कोर्स माना रफ तुर्श होती है उसकी लैंग्वेज कभी कभी ना. वी आर टू रिमेंबर दैट इट वॉज द कस्टम ऑफ हिज एज टू स्पीक समवट कोर्सली, एंड दैट इन द लैंग्वेज एज इन द थॉट एंड द फीलिंग. शेक्सपियर इज फॉर अबव मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्पोरीज ना, यानी शेक्सपियर कि जो और कंटेम्पररीज थे दे कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर एज. ये वाला मैं दोबारा समझाता हूँ, हाउ दे कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर एज. एज से मुराद यहाँ पे मेरी रिनेसेंस एज है, एलिजबेथन एज है. यानी वहाँ के जो ट्रेंड्स थे शेक्सपियर ने सिर्फ उन्हीं को नहीं लिखा, यानी बुरे अंदाज में बात की जाती थी, एक ख़ास किस्म का ट्रेंड था, तो शेक्सपियर ने सिर्फ उसी एज को ना लिखा, अपनी उस एज से वो निकल कर लिखा. इस वजह से वो यूनिवर्सल बन गया ना, फॉर ऑल टाइम बन गया. यानी अगर वो हुई घोड़े के मेलों के ऊपर फॉर एग्जांपल ड्रामा लिख देता या घोड़ों की ये जो बोलियां लगाते हैं ऑक्शन जिसे कहते हैं उसके ऊपर अगर ड्रामा लिख देता तो शायद शेक्सपियर को आज हम जानते भी नहीं. लेकिन उसने चूँकि ह्यूमंस के ऊपर लिखा, और ह्यूमंस जो हैं they are sustaining, they are permanent till the day of judgment. यानी इंसान जो है, इंसानों के ये जो passions हैं, मौत हो गई, पैदा होना हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, loss हो गया, love हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना ये रहती दुनिया तक इंसान ने भी रहना है और रहती दुनिया तक इन जज्बों ने भी रहना है. तो इसलिए शेक्सपियर का नाम जिंदा रहेगा ना. तो जो जबकि उसके कंटेम्प्रेरीज थे वो छोटे छोटे थीम्स के ऊपर, किसी एक बात के ऊपर, किसी मतलब खातून की घर में लड़ाई हुई तो उसके ऊपर उसने नावल लिख दिया, तो ना वो खातून रही, ना वो लड़ाई रही, और ना उसके शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज रहे ना, उनका नाम नहीं है, रहने से मुराद उनका नाम नहीं है. विद हिज सक्सेसर्स ऑल दिस वॉज चेंज, द ऑडियंस इट सेल्फ हैड ग्रेजुअली चेंज. यानी शेक्सपियर के बाद शेक्सपियर के जो ऑडियंस थे, कहते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ ग्रेट नहीं था बल्कि शेक्सपियर के ऑडियंस भी ग्रेट थे. यानी शेक्सपियर को समझना जो है उस वक्त के ऑडियंस का टेस्ट जाहिर करता है कि वो खुद कितने ज़्यादा लविंग थे टूवर्ड्स रीडिंग एंड द लिटरेरी टेस्ट, उनका कितना डेवलप था. एंड इन द प्लेस ऑफ द प्लेन पीपल ईगर फॉर अ स्टोरी एंड फॉर द इंफॉर्मेशन वी सी अ लार्जर एंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु वेंट टू द प्ले बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू एल्स. ना लेटर ऑन यानी शेक्सपियर के बाद जो ऑडियंस है तो वो सिर्फ घर में वेले बैठे होते थे तो वो फिर प्ले देखने चले जाते थे, लिहाजा ना वो लिटरी टेस्ट था ऑटोमेटिकली जो है वो ऑथर्स और राइटर्स में भी नहीं है. यहाँ पे अगर हम सराइकी हवाले से देखें या उर्दू भी हवाले से, मैं दोनों हवाले से देखता हूँ, तीनों ज़बानों के हवाले से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ. यानी सराइकी में ख्वाजा फरीद की शायरी आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो वो अल्लाह के साथ लॉ और लगाव रखने के साथ की शायरी थी, बुलंद ख्याल की शायरी थी. और उसके बाद शायरी की तनजली होती 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 वो कहीं मतलब चिट्टा चोला सीधे दर्जी पर पहुंच गया ना. तो ये फ़र्क होता है. अब पंजाबी में जहां हीर रांझा लिखा जाता था और हीर जो है वो बाकायदा गाई जाती थी, लोग जो है उसको गाते थे, मतलब स्पेशल किस्म के गवैये होते थे. तो बकायदा बल्कि कहा जाता था कि जो बोल नहीं सकता, कहते ना कि थत्थे गावे नहीर, थत्थे मीन जो सही तरीके से बोल ना सकता,
तो यानी उस वक्त मजाक होता था, हीर गाना किसी आम बंदे का काम नहीं था, हीर बकायदा गाई जाती थी थिएटर्स के ऊपर, ड्रामे और यानी के बंदा आकर ना उसको गाता था सामने ना ऑडियंस बैठे होते थे। तो इसी यानी उर्दू का, अब गालिब की शायरी के बाद मतलब गालिब की शायरी आपने पढ़ी, मीर तकी मीर की, और फिर जो है ना, अगर मैं यहाँ पे किसी का गिला नहीं कर रहा, लेकिन अगर जब शायरी इस पर आ जाती है कि काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता, तो वो शायरी की डेकलाइन को जाहिर करता है, तनजली को जाहिर करता है। तो ऑडियंस चेंज हो गए शेक्सपियर के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो राइटर्स थे उनका टेस्ट भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हो गया। दे वॉन्टेड अम्यूजमेंट ओनली एंड सिंस दे हैड ब्लंटेड बाय द आइडलनेस द डिजायर फॉर सिंपल एंड होलसम अम्यूजमेंट, दे कॉल्ड फॉर समथिंग मोर सेंसेशनल। ऑटोमेटिकली ये नहीं, उनके पास कोई इतना ज़्यादा मटेरियल, ये सेंसेशनल जो है ना, सेंसेशनल का मतलब है सनसनीखेज ना, ब्लड शेड, हॉरर, अम्यूजमेंट, डिटेक्टिव वाले, इस तरह की चीज़ें उन्होंने ऐड करना शुरू कर दी। शेक्सपियर सक्सेसर कैटर टू द डिप्रेव्ड टेस्ट ऑफ द न्यू ऑडियंस ना, यानी जो शेक्सपियर के सक्सेसर थे उन्होंने जो डिप्रेव्ड किस्म के टेस्ट थे, डिप्रेव्ड का माना घटिया किस्म के, न्यू ऑडियंस का यही टेस्ट भी जो है ना, तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि देयर वर टू फैक्टर्स, एक टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, और दूसरा डेफिनेटली शेक्सपियर की स्पेस पर तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उनका चॉइस भी तो मतलब उन्होंने नहीं लिया ना, यानी शेक्सपियर क्रिएटेड अ टेस्ट बेसिकली, यानी उसने उस तरह का मिजाज ऑडियंस का बना दिया कि जिस तरह का शेक्सपियर लिख रहा था लोग उसको उसी तरह समझने वाले भी पैदा हो गए ना। देखें अगर कोई उस्ताद आपको मुश्किल अंदाज में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट जो है ना अपना अपना लेवल ऊपर कर लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने उस मुश्किल उस्ताद को समझना शुरू कर देते हैं, और जब मुश्किल उस्ताद को समझना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए बाकी आम सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई मायने नहीं रखता। तो शेक्सपियर का चूंकि स्टैंडर्ड हाई था तो लोगों ने शेक्सपियर को समझने के लिए अपना टेस्ट बुलंद किया। शेक्सपियर के बाद क्या हुआ, लोगों का टेस्ट जो है, जो न्यू ऑडियंस थे उनका टेस्ट कोई खास नहीं था, राइटर्स अगर किसी काम के थे भी सही तो उन्होंने भी मतलब सेंसेशनल शायरी या आम लोअर लेवल की शायरी करना और लोअर लेवल की पोएट्री पोएट्री और ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। तो यानी दोनों जो राइटर्स थे दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन ऑफ द ड्रामा, और ऑडियंस आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन ऑफ ड्रामा। They left not only Shakespeare's genius, but his broad charity, his moral insights into the life. यानी शेक्सपियर की जो मॉरल इंसाइट, इंसाइट कहते हैं दूरंदेशी को, यानी जिस तरह शेक्सपियर लाइफ को देखता था तो वो नहीं देख सकते। विद द एक्सेप्शन ऑफ द बेन जॉनसन, यानी बेन जॉनसन किसी हवाले से जो है वो शेक्सपियर की हाइट्स को जो है ना जाकर टच करता है। दे नेग्लेक्टेड द सिंपल फैक्ट दैट मैन इन हिज डीपेस्ट नेचर इज अ मॉरल बीइंग, एंड दैट यानी वो शेक्सपियर ने मोरालिटीज को टीच किया, मोरालिटीज इस सेंस में नहीं टीच किया, यानी कि ग्रैंड ग्रैंड मोरालिटीज टीच की ना शेक्सपियर ने, जबकि जो दूसरे थे उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और उन्होंने इंसान को लिया कि इंसान जो है वो मॉरल बीइंग, एंड दे ओनली अ प्ले विच सेटिस्फाइड द होल नेचर ऑफ द मैन बाई शोइंग द ट्राइम्फ ऑफ द मॉरल लॉ। यानी ऐसे आपने देखा होगा ना अनवरी की हमाकतें और डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नॉवेल्स हैं, वो सिर्फ जो है एक खातून अगर उसकी शादी हो गई तो उसने घर में रोटियां कैसे पकानी है, हस्बैंड को किस तरह उसने ट्रीट करना है, तो इस तरह का पूरे थीम के ऊपर ना नॉवल लिख दिया, तो नॉवल लिख दिया। तो इस तरह के जो नॉवल्स होते हैं वो फॉर ऑल टाइम नहीं होते, तो उनके राइटर्स यानी जो शेक्सपियर के बाद के राइटर्स हैं तो उन्होंने भी इस तरह के मोरालिटीज टीच करना शुरू कर दिया। शेक्सपियर हम ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर ने मोरालिटीज टीच नहीं की, शेक्सपियर ने की, लेकिन हायर ऑर्डर ऑफ मोरालिटीज टीच की शेक्सपियर ने, जबकि उसके कंटेम्प्रेरीज जो थे दे जो लोअर मॉरल वैल्यूज थी, लोअर मॉरल लॉज थे कि आपने फॉर एग्जाम्पल चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो इस तरह के जो मॉरल लॉज थे वो उन्होंने टीच किए। कैन एवर बी होली सेटिस्फाइड एन ऑडियंस आर अ पीपल। बेमेंट एंड फ्रिक्शन जो है इसके कंटेम्प्रेरी ड्रामाटिस्ट थे, फॉरगेटिंग द डीप मीनिंग ऑफ लाइफ स्ट्रोव फॉर इफेक्ट बाई इंक्रीजिंग द सेंसेशनलिज्म
of their plays. Webster reveals in the tragedies of bloodshed and thunder. Bloodshed and thunder कह रहे हैं जिसमें खून खराबा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको blood and thunder का drama कहते हैं. मैसेंजर एंड फोर्ड मेड अनदर स्टेप डाउनवर्ड, वो मजीद और नीचे आ गए कि प्रोड्यूसिंग इवेंट एंड लाइसेंशियस सीन्स फॉर देयर ओन सेक, मेकिंग करेक्टर्स एंड द सिचुएशन मोर इमोरल, टिल नॉट विद स्टैंडिंग दीज ड्रामेटिस्ट एबिलिटी द स्टेज हैज बिकम इनसेंसियर फ्रिवोलस एंड बैड. यानी उसने जो जो फोर्ड था उसने मजीद मैसेंजर और फोर्ड ने ड्रामे को मजीद एक स्टेप नीचे कर दिया. यानी जो इमोरल चीज़ें थी वो भी ड्रामे के स्टेज के ऊपर प्ले करना शुरू हो गई, तो इससे ड्रामाटिस्ट की एबिलिटीज का जाहिर हो गया और अल्टीमेटली जो स्टेज परफॉर्मेंस थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के वो सोसाइटी का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना रहा बल्कि इनसेंसियर एजेंडा प्राइवेट टाइप का हो गया और फ्रिवोलस एंड बैड हो गया. यानी लोग उसको, अगर हम अपने पंजाबी उसके हवाले से देखें जो हमारे पंजाबी ड्रामास हैं तो ये शुरू में इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टेज ड्रामे, बहुत ज़्यादा जुगतबाजी होती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिटकॉम्स है जिस वजह से थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी मजाक के हवाले से ना. बेन जॉनसन्स कहे ओड कम लीव द लॉयड स्टेज, ये उसने पोएम लिखी कि आओ ये स्टेज लॉयड स्टेज को यानी गंदा करके इसको आपने छोड़ दिया, इसे छोड़ दें. यानी लॉयड स्टेज को इज द जजमेंट ऑफ ए लार्ज एंड ऑनेस्ट नेचर ग्रोन वेरी ऑफ द प्लेस एंड द प्लेयर्स ऑफ द टाइम. बच्चे ये वाली सारी चीज़ें अब एक ही वजह की तरफ जा रही हैं कि 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया. वी देन विद अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट सॉरी जजमेंट ऑफ ए लार्ज एंड ऑनेस्ट नेचर ग्रोन वेरी ऑफ द प्लेस एंड द प्लेयर्स ऑफ द टाइम वी रीड विद अ सेंस ऑफ द रिलीफ दैट इन 1642. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1642 वाला कि इसमें थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया. ओनली 26 ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर, यानी 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई तो उसके 26 ईयर्स बाद थिएटर्स को ही क्लोज कर दिया गया. कहते हैं ना कि हर अरूज के बाद जिवाल आता है, तो शेक्सपियर के बर्थ के साथ, शेक्सपियर की राइटिंग्स के साथ जो ड्रामे ने देखी हाइट्स, ऐसी हाइट्स उसने बुलंदियां फिर कभी नहीं देखी. लेकिन शेक्सपियर कहते हैं ना कि हर अरूज बारा जिवाल होता है, हर अरूज को जिवाल आना होता है. तो जो कामयाबी शेक्सपियर के दौर में ड्रामे ने अचीव की थी 26 साल बाद उसे उन थिएटर्स को ही क्लोज करना पड़ा. बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वोटेड टू क्लोज द थिएटर्स एज ब्रीडर्स ऑफ लाइज एंड इमोरालिटीज. के वजह क्या है, पार्लियामेंट के ये दो हाउसेज होते हैं, एक होता है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. यानी हमारे यहाँ उसी का पैरेलल है, पार्लियामेंट में मतलब दो हाउसेज होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होती है और फिर सेनेटर्स होते हैं. तो वहाँ पे हाउस ऑफ, लोअर हाउस और अपर हाउस है और उनके नाम ये हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना. तो उन दोनों हाउसेस ने वोट किया कि थिएटर्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये ब्रीडर्स हैं. ब्रीडर्स का मतलब जन्म दे रहे हैं झूठ को और इमोरालिटी को ना. तो कल फिर हम अगले वाला देखेंगे कि शेक्सपियर के बाद प्रोज का क्या सूरत हाल थी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.